वेरुष्का फाउंडेशन कुकरी क्लासेस। आज हम बनाएंगे मूंग दाल के वड़े। कैसे बनाते हैं सब इंग्रेडिएंट देखेंगे एक बार। चलो आ जाओ बच्चों। मूंग दाल ली है, उसे 4-5 घंटे हमने भिगो के सोक करके रखे। पहले धो ली, फिर 4-5 घंटे हमने सोक करके ली। ऑनियन, 1 ऑनियन फाइन चॉप, 1 इंच अदरक फाइन चॉप, ग्रीन चिली फाइन चॉप, कोरिएंडर, अपने टेस्ट के अनुसार सॉल्ट लेना है। तलने के लिए तेल लगेगा। अब ये मिक्स जो हमने दाल भिगो के रखी थी 4-5 घंटे, उसको हम लोग मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। हरी मिर्च डालेंगे और ग्राइंड करेंगे। बोल में निकालेंगे अपना जो मिक्सर से, बोल में निकालेंगे, थोड़ा दरदराई करेंगे। आपको अगर इसमें चना डालनी है तो चना डाल भी उसमें भिगो के रखनी है और ग्राइंड करनी है। चना डाल के भी वड़े हो जाते हैं। हम लोग यहाँ पे मूंग दाल के वड़े बना रहे हैं। उसमें जाएगा ऑनियन फाइन चॉप, अदरक, कोरिएंडर, टेस्ट के अनुसार नमक, इसको फेटना है हाथों से या स्पून से फेटना है। अगर इसमें आपको रेड चिल्ली डालनी है तो रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं इसमें। अगर नाचनी का आटा मिक्स करना है इसमें तो नाचनी का आटा भी मिक्स कर सकते हैं। अपना बैटर बराबर हुआ है कि नहीं देखना है, इसलिए थोड़े बर्तन में पानी लेना है। बर्तन में पानी लेना है, उसमें अपना बैटर, थोड़ा सा बैटर डाल के देखना है बैटर हुआ के नहीं। अभी तक हुआ नहीं है, इसका मतलब हमें और फेटना है अच्छी तरह से। हमने जो बैटर डाला वो ऊपर के ऊपर ही आ रहा है, पानी के ऊपर फ्लोट हो रहा है, फ्लोट हो रहा है, ये इसके मतलब अपना बैटर सही हुआ है। इसके बाद हमें लेना है, अभी हमें तलना है। तलने के लिए तेल गरम किया है, यहाँ पे पानी लिया है हाथ में लगाने के लिए, यहाँ पे अपने बोल में बैटर लिया है। उसको हम लोग अभी धीमी आंच पे तलेंगे, फ्राई करेंगे, डीप फ्राई। थोड़ा लाल कलर आने तक दोनों बाजू ऊपर नीचे फ्राई होने चाहिए।